बुरहानपुर की नेपानगर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। लोखंडिया में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। दरियापुर और खगनार मंडल के इस संयुक्त सम्मेलन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे, लेकिन पूर्व भाजपा विधायक मंजू दादू के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने से भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि मंजू दादू सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ इस्तीफा दे सकती हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सांसद नंदकुमार सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। चौहान ने कहा कि अब किसी के बहकावे में नहीं आना है। 15 महीने में सुमित्रा काजरेकर ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कई चक्कर लगाए, लेकिन एक भी काम नहीं हुआ, जबकि सीएम बनते ही शिवराज सरकार ने नेपानगर को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है। कोई संकेत नहीं है। मंजू दादू भाजपा की नेता है और वो ताकत से सुमित्रा काजरेकर को जिताने के लिए काम करेंगे। सूत्रों के हवाले से 20,000 कल इस्तीफा देने वाली भारतीय जनता पार्टी से, वो सूत्र सही नहीं है। वो भाजपा की है, उसके पिताजी ने यहाँ पे 2 बार विधायक रह के इस क्षेत्र के गरीब जनता की सेवा की, वो भी 1 बार विधायक रही है और उसने भी सेवा की है। मैं इन सूत्रों को सही नहीं मानता। 15 महीने में जो वचन दिए थे वो वचन एक भी पूरा नहीं हुए। जो मैंने जनता से मैंने जो वचन करी थी, जनता के जो विकास, अभी आप मानते हो कि आप ये वचन पूरा कर पाएंगे? ये वचन हम ये माननीय शिवराज जी का ये घोषणा पत्र। क्या आपको चुनाव में कोई चैलेंज कैसा लग रहा है नए परिवार में आके? नहीं, चैलेंज वैलेंज नहीं, हम पूरा भाजपा परिवार एक होकर चुनाव लड़ेंगे और नेपानगर विधानसभा में